सजा जानी तभी बना जब मेरी उससे शादी हुई है। लोग ये समझ रहे हैं कि मैंने इनके फेम की खातिर इनसे शादी की है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। सजाद ने कभी आपको मारा? सजाद ने बहुत बार मुझे, इन्होंने थप्पड़ भी मारे हैं, टुड्डे भी मारे हैं, इन्होंने मेरे साथ बहुत बहुत कुछ किया। कितना निकाह था? ये पांचवा निकाह था। पांचवा निकाह किसके साथ हुआ था? ये खानोवाल में हुआ है जी, मारिया असलम तीसरी वाइफ है जी, एक उर्वा नामी लड़की का जिक्र हो रहा है जो थी अबीरा। पांचवी वाइफ कौन थी? पांचवी है जी ये मारिया असलम। आप इसको साबित कर सकते हैं? बहुत कुछ है भाई। श्योर? हाँ जी, निकाह नामा सिर्फ मेरा दर्ज है और ये फिफ्थ वाइफ का दर्ज है। स्टोरी बहुत अच्छी बनाते हैं, पूछता नहीं है, मेरा ख्याल नहीं है किसी को, मुझे खाने को नहीं कोई पूछता, मेरे कपड़े, मेरा ये, मेरा वो। ना वो अच्छा बाप बना, ना वो अच्छा शोहर बना। लव्स चेक करें, मैंने इसके नाम पे लिखा हुआ धोखा, तेरी माँ याद कर जा तुम्हारी। ये लैंग्वेज है। ये निकाह एक हादसा था, हादसा था, खत्म हो गया। औरत हत्तुल इम्कान कोशिश करती है अपना घर बचाने की। जी बिल्कुल, मैंने बहुत कोशिशें की हैं, मैंने मारे तक खाई हैं। एक्स गर्लफ्रेंड थी जो कि मेरे रास्ते में थी, उन्होंने कहा मैंने अबीरा के साथ निकाह ही तुम्हारे इसी वजह से किया है कि तुमने उससे रास्ता नहीं छोड़ा। उसने क्या बताया? उसने यही कहा तुम कितनवी बीवी हो। कितनवी बीवी है एक्चुअली? मैं उसकी सेकंड वाइफ। मैंने इनसे पूछा है, इन्होंने कहा ये एक साजिश, साजिश हो रही है उनके खिलाफ। तुम्हें नहीं पता मेरे दुश्मन रल मिल के कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है। अगर वो ये कह दे कि जनाब मैं तो मासूम सा आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? हर लड़की इसके पीछे पड़ जाती है, ये हर बार मासूम है। क्या आपको वाकई ही ये लगता है कि ये सारा घनचक्कर और सारा कसूर सजाद का इकलौते का? जी बिल्कुल, इन्होंने जून जुलाई में एक और निकाह किया जिसका मुझे नहीं पता था। अच्छा जी, यहाँ से इख्तलाफ शुरू हुआ है इस दफा? यहाँ से इख्तलाफ शुरू हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक। ये कितना निकाह था? ये जून जुलाई वाला पांचवा निकाह था। पांचवा निकाह? जी पांचवा निकाह। आरिशो जी? अच्छा जी, फिर? अच्छा जी, मुझे निकाह नामा मिला है इनका, डिटेल्स मिली। अच्छा जी जी, और इसमें डिवोर्स का क्या चक्कर है? इल्जाम सजाद पर लग रहा है कि पहले से डिवोर्स पेपर बनवा के रख लेते हैं। जी, इन्होंने उसका डिवोर्स पेपर भी मुझे भेज दिए हुए हैं। आपको भी भेजा? जी मुझे, क्योंकि मेरे पिछले जो वीडियो थी उसमें अबीरा ने ये इल्जाम लगाया था कि सजाद पहले डिवोर्स पेपर बनवा के रख लेते हैं और मुझे भी उसने एक साल बाद डिवोर्स पेपर दिए थे। इन्होंने मुझे उसका डिवोर्स पेपर तक भेज दिए, पांचवें निकाह के, कि मैंने उसके घर भेज दिए हमें। अच्छा, ठीक है, जिस डिवोर्स के ऊपर ना तो लड़की का नाम ठीक है, ना तो उसका आईडी कार्ड ठीक है। इन्होंने कहा है जी अगर नाम या आईडी कार्ड ठीक नहीं है तो मैंने उसका आईडी कार्ड की कॉपी स्टेपलर करके लगा के भेज दी है। मीन्स के ठीक निकाह में तलाकनामा मैंने भेज। अच्छा जी।